आखिर पुलिस प्रशासन ने अवैध तस्करी करने वाले आरोपियों को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ ही लिया। यह आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। पुलिस ने इनकी कार से अवैध हथियार सहित कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने इन आरोपियों को साइबर पुलिस की मदद से पकड़ा। मामला छतरपुर का है, जहां कुछ दिन पहले दो कारों की भिड़ंत हो गई थी। इसी दौरान एक कार से भारी मात्रा में पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए थे। इस कार में सवार लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया था, लेकिन मौके से इन अवैध हथियारों का मास्टरमाइंड बर्खास्त पुलिस आरक्षक सहित तीन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने साइबर पुलिस की मदद से इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन आरोपियों से रिमांड लेकर पूछताछ कर रही है। ये जो छत्रसाल चौराहे पे एक गाड़ी में 6 कट्टे और बड़ी संख्या में कारतूस पकड़े गए थे, उसमें बाद में आरोपी पकड़े गए, जिसमें कि मुख्य आरोपी एक बर्खास्त कांस्टेबल हमारे पुलिस विभाग का था। उसमें मूलतः यह नरसिंहपुर से बर्खास्त हुआ था और इसका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा गया तो इसके कई अपराध यहाँ पर कोतवाली और सिविल लाइन से मिले हैं। इसकी जो गुंडा फाइल होती है वो हम तैयार करा रहे हैं, और इसके अलावा इसके क्या मामले जो न्यायालय में चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है इसको हम दिखवा रहे हैं। और इस हथियार वाले प्रकरण के पूर्व 2 दिन या 3 दिन पूर्व एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कि एक फायरिंग करते हुए दिख रहा है, वो भी यही व्यक्ति था। उस मामले में भी इसकी अरेस्ट हो रही है, यही आरोपी था। और ये जो व्हीकल थी ये भी इसी के नाम पे थी। तो इसके इस दो मामलों में इसको हम अरेस्ट कर रहे हैं, और जो प्रचलित प्रावधानों में इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।